पासवान जी की बात करें तो वो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि आप लोगों की पार्टी को वो एनडीए का हिस्सा नहीं मानते हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से आप लोगों के साथ किया गया, अगर विधानसभा चुनाव में वैसी स्थितियां होती है तो फिर क्या करेंगे? एनडीए का हिस्सा है या नहीं? मैं खुश हूं कि सभा में हमारे साथ अन्याय हुआ। पति पारस जी ने भी कई दफा ऐलान भी कर दिया है कि 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। सोमवार को भारत रत्न से नवाजा जाए इसकी मांग चल रही है। अब चिराग पासवान ने समर्थन किया इस बात का। बिहार पासवान को भारत रत्न मिले, यह खुशी का बात है कि बिहार से बेटा को भारत रत्न मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदनी। आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, ऐसे में इस वक्त हमारी मौजूदगी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दफ्तर पर है, जहां पर आपको हम तस्वीरों से भी रूबरू करवाएंगे किस तरीके से पूरा दफ्तर पशुपति पारस जी और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के तस्वीरों की सजाया गया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से और पूर्व MP चंदन सिंह जी हैं। किस तरीके से आज आप लोग मना रहे हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि? देखिए, आदरणीय रामविलास पासवान जी हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज उनका चौथी पुण्यतिथि है। हम ही नहीं, पूरे बिहार, पूरे देश है, जितने भी हैं, सभी समाज के लोग, सब लोग आज उनका जो है चौथी पुण्यतिथि मना रहा है। हम लोग आज शोकाकुल हैं, सभी लोग दुखी हैं कि हमारा बिहार ही नहीं पूरा देश एक बहुत ही बड़ा नेता को खोया है। वो एक ऐसे नेता थे जो सबको यह चलने का काम करते थे, है ना? तो हम सभी जो बैठे उनका जो विचारधारा था उस पर बातचीत कर रहे हैं, अब सभी जो उदास रहते हैं। आज जिस तरीके से सर पर विधानसभा चुनाव भी है, अभी लोग के नेता पशुपति पारस जी ने भी कई दफ़ा ऐलान भी कर दिया है कि 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। अब विधानसभा चुनाव समय के साथ नज़दीक आते जा रहा है, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से आप लोगों के साथ किया गया, अगर विधानसभा चुनाव में वैसी स्थितियाँ होती है तो फिर क्या करेंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, लोकसभा में हमारे साथ अन्याय हुआ, हाँ, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन पिछले विधानसभा खबर समय आया, मैं आप लोग को बुला कर बताऊँगा, समय आया अच्छा हुआ। विधानसभा चुनाव में उम्मीद है कि चीज़ें बेहतरीन होगी, लोकसभा से बेहतरीन होगी? समय आया मैं सब बताऊँगा, समय है हमारे पास। और क्या होता है, कहावत है हमारे गांव में कि घर में दूध जब पिया जाता है तो जल जाता है भी, तो छाँस जब ठंडा आता है उसको भी फूक फूक कर पीता है, फूक के पीना चाहिए। तो इस बार कदम फूक फूक के चलेंगे। इस बार जो पीछे हमारे साथ अन्याय हुआ, जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है, जनता भगवान है, नेता खान जनता फैसला लेती है। तो इस बार पिछले बार लोकसभा में हमारे साथ अन्याय हुआ है, ये जनता को भी पता है। और इस बार जो है हम लोग सारा तैयारी किए हैं, समय आया बताऊँगा मैं। चंदन जी, ये बताइए कि चिराग पासवान काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, अभी भारत रत्न देने की बात को, जिस तरीके से नीतीश कुमार को भारत रत्न से नवाजा जाए इसकी मांग चल रही है, अब चिराग पासवान ने समर्थन किया इस बात का? ये तो आदमी चिराग पासवान जी बता सकते हैं इसमें। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का क्या स्टैंड है कि नीतीश कुमार जी को भारत रत्न से नवाजा जाए? आदरणीय नीतीश कुमार जी तो हमें नहीं, आप नहीं चाहते, पूरा बिहार चाहता है। और बिहार का बेटा है आदरणीय नीतीश कुमार जी, पूरा बिहार चाहता है उनको भारत रत्न मिले। एक खुशी का बात है कि बिहार से बेटा को भारत रत्न मिले, तो हर व्यक्ति चाहता है, बिहार का बच्चा बच्चा चाहता है उनको भारत रत्न मिले। ये तो हमारे बिहार वासियों की खुशी की बात है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में इग्नोर किया गया, विधानसभा चुनाव है, और चिराग पासवान जी की बात करें तो वो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि आप लोगों की पार्टी को वो एनडीए का हिस्सा नहीं मानते हैं। अब कौन क्या मानते हैं नहीं जानते हैं, समय आया मैं बताऊँगा। अब एनडीए में है तो कहाँ है, मैं समय आया तो बता दूंगा। अभी आप लोग हैं या नहीं, एनडीए का हिस्सा है या नहीं? अभी एनडीए में तो हैं, तब तो एनडीए में बैठे हुए हैं। समय आया तो कहाँ है ये मैं बाद में बताऊंगा, समय आया मैं बताऊंगा। अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो समय आने पर पता चलेगी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का ये बयान है।
फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवाणी। धन्यवाद।